हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हाई लूप फ्रंट स्लिट टॉप विथ फुल फ्लेयर अम्ब्रेला स्लिप्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने साड़ी का यूज़ किया है। अगर आपको फैब्रिक से बनानी है तो 2 मीटर सब फैब्रिक की आपको रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेन फैब्रिक 2 मीटर लिया है और लाइनिंग मैंने 1/2 मीटर लिया है। लाइनिंग हमें सिर्फ फ्रंट पार्ट में यानी कि टॉप पार्ट में यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसको कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर लाइनिंग को 4/4 में बिछा लिया है, जिसमें मैं बैक और फ्रंट की कटिंग करूँगी। यहाँ पर लंबाई मैंने 14 इंचेस लिया है, प्लस 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो यहाँ पर लेंथ हमारी 15 इंचेस है। अभी सबसे पहले हमें बैक पार्ट में कटिंग करनी है। तो फोल्डेड साइड से हम शोल्डर का मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पर शोल्डर का हाफ मैं 6.5 लूँगी और सेम 6.5 में मैं आर्म होल के लिए भी लेंथ ले लूँगी। अब यहाँ पर दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। चेस्ट का आपका जो भी मेजरमेंट होता है उसको आपको 1/4 करना है। जैसे यहाँ पर 32 है तो इसका 1/4 8 होता है। यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद 9 इंचेस हो जाता है। सेम वेस्ट के लिए भी हमें इसका 1/4 करना है और यहाँ पर मेजरमेंट में 8.5 आया है। अब यहाँ पर हम बैक आर्मोल के लिए शेप ड्रॉ कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर फ्री हैंड भी इसका शेप ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद अपनी नेक की विड्थ देखेंगे। यहाँ पर 2.5 लिया है और नेक की लंबाई मैंने 1 इंच लिया है बैक के लिए। अब यहाँ पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेते हैं। करीब 1/2 इंच हमें शोल्डर स्लोप करना है और यहाँ पर तिरछी लाइन आर्महोल की तरफ मिला लेंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। हमें सेम इसी तरह से फ्रंट पार्ट में कटिंग करनी है, लेकिन उससे पहले हम फोल्डेड साइड से करीब 1/2 इंच में मार्क करेंगे और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमें 1/2 इंच की ये मार्जिन लाइन है, यहाँ पर इससे छोड़ के हम अपने बैक पार्ट को रख लेंगे और बाकी के जो मेजरमेंट्स हैं हम इसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर फ्रंट आर्मर के लिए अंदर 1/2 इंच में मार्क करते हुए इस तरह से गोलाई दे देंगे और फ्रंट नेक के लिए यहाँ पर मैं 6.5 में एक मार्क कर लूँगी और यहाँ पर वी शेप नेक ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कटिंग करने के बाद हम फ्रंट में इस तरह से इसको सेपरेट कर लेंगे। हमारी लाइनिंग में कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक में इसकी कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट पहले कट करूँगी और इसके बाद हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हो बैक पार्ट इस तरह से है। अभी हमें नेक की स्टिचिंग करनी है, तो इसके लिए बैक के जो फ्रंट पैनल है इसके ऊपर हम अपने लाइनिंग के फैब्रिक को रखते हुए नेक में स्टिचिंग करेंगे और इसको बैक साइड में टर्न करते हुए चारों तरफ हम लाइनिंग को फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसमें भी हमें सेम पैनल को ओपन कर लेना है और इसके ऊपर हम अपने लाइनिंग के फैब्रिक को प्लेस करेंगे और यहाँ पर हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। बस हमें यहाँ तक स्टिच करना है। यहाँ पर एक साइड में मैं कुछ पोर्टल बटन बना के रखी हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ पर मुझे एक साइड में इसको फिक्स करना है, तो ये आप देख सकते हो ये राइट साइड है। इस तरह से पोर्टल बटन को हम उल्टा रखेंगे और थोड़ी थोड़ी दूर में इसको हम प्लेस कर लेंगे। और इसके ऊपर हम लाइनिंग के फैब्रिक को रखते हुए इसके ऊपर हम 1/2 इंच की दूरी में सिलाई लगा लेंगे और कपड़े को राइट साइड में टर्न कर लेंगे। हमें इस पार्ट में बस नेक की सिलाई करनी है और उसके बाद कपड़े को टर्न कर लेंगे। हमें यहाँ पर कोई स्टिचिंग और नहीं करनी है। यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड में नेक के साथ पोटली बटन भी अटैच कर लिया है और दूसरे साइड में नेक की सिलाई कर दिया है और बाकी के कपड़े को हमने लाइनिंग के साथ इसको चारों तरफ अटैच कर लिया है। अभी इस तरह हमें
ये वाले पार्ट को हमें दूसरे पार्ट के ऊपर रखना है। हमने जो हाफ इंच का मार्जिन लिया था लेफ्ट साइड में, और उतना ही मार्जिन हमें इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर इसको कवर कर लेंगे। आप देख सकते हो बैक साइड में भी हमारा नेक बन चुका है और हमने इसको लाइनिंग के साथ चारों तरफ अटैच कर लिए हैं। अभी हमें शोल्डर की जॉइंट करनी होगी, तो इसके लिए फ्रंट के दोनों पार्ट को हम इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और शोल्डर की फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पर शोल्डर की फिटिंग हो चुकी है, अब हमें अपनी बॉडी की फिटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग लगा दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें सिलाई कर देंगे। अभी इसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी होगी। यहाँ पर हम अम्ब्रेला स्लीव्स कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक हाफ मीटर लिया है। और इसको मैंने डबल में फोल्ड कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर दो स्लीव्स निकालनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो लेयर है, और यहाँ पर लंबाई मैंने 21 इंचेस रखा है और चौड़ाई भी 21 इंचेस रखा है। यहाँ पर स्लीव्स बनाने के लिए हमें दोनों तरफ इक्वल कपड़ा रखना होगा। अब एक बार इसको फोल्ड कर लेते हैं सेंटर से। अब दोबारा इसको हम सेंटर से एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से हमारे चार लेयर हैं डबल में, यानी कि हमारी दो स्लीव्स निकलेंगे, टोटल हमारा 8 पीसेस हैं। अब यहाँ से कॉर्नर से हम मार्क कर लेते हैं जितना भी कपड़ा है। अगर आपको छोटा भी बनाना है तभी भी आप कम में मार्क कर सकते हो। जैसे यहाँ पर करीब 10.5 में मेरा निशान आया है, तो मैं यहाँ पर 10.5 में मार्क कर लूँगी। और इसको हम राउंडली कट कर लेंगे। अब इस पॉइंट से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे ताकि हमारा सेंटर पॉइंट निकल जाए। आप देख सकते हो ये हमारा इस तरह से दो सर्कल निकल आया है स्लीव्स के लिए। अब हम सेंटर से अच्छे से मार्क कर लेंगे इसको। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ से हम डाउनवर्ड एक मार्क कर लेंगे ताकि हमारे डाउन साइड में हम आर्महोल निकालेंगे। अब इस पॉइंट से हमें आर्महोल मेजर करनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो हम टॉप पार्ट ले लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको प्लेस करेंगे, और जितना भी हमारा आर्महोल है इस तरह से हम इसको मार्क करके एक पॉइंट बना लेंगे। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट के बीचों बीच हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालनी है इस तरह से। अब ये जो पॉइंट आया है, अब यहाँ से इसको हमें टर्न करना होगा। तो इसके लिए लाइन थोड़ा सा और खींच लेंगे ताकि कपड़ा हमारा बराबर रहे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी ये फोल्डिंग हो चुकी है। हमें एक और फोल्डिंग करनी है दूसरी निशान में। अभी हमारी ये फोर लेयर में हो गया है। अभी हमें आर्महोल के लिए मार्किंग करनी है, तो हम सबसे पहले आर्महोल मेजर कर लेते हैं टॉप से। इस तरह से गोलाई में हम मेजर करेंगे, तो यहाँ पर 14 आया है। अभी हम 14 को 1/4 करेंगे। मेजरिंग टेप में इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेंगे, तो देख लेते हैं हमारा एक पार्ट में कितना आया है। यहाँ पर 3.5 आया है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 3.5 में इस तरह से गोलाई में मार्क कर देनी है ताकि हमारे यहाँ पर 14 इंचेस परफेक्ट आ जाए। तो यहाँ पर दोनों कॉर्नर में हमारा 2.5 इंच आया है, तो इसको भी बराबर कर लेना है। इस तरह से हम राउंड में 3.5 मार्क कर लेंगे। अभी ये मार्किंग हो चुकी है। हमें यहाँ पर एक मार्जिन लाइन, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन हम ले लेंगे नीचे की तरफ। नीचे सिलाई मार्जिन हम ले लेंगे एक्स्ट्रा, और यहीं से हम इसको कट कर लेंगे। अब ये दिख सकते हैं ये हमारे आर्महोल कट के रेडी हो चुकी है। यहाँ पर बॉटम साइड में हमारी ये आर्महोल साइड है, स्लीव्स के बॉटम साइड है, और ऊपर के जो आप लेयर देख रहे हो ये हमारे स्लीव साइड है। हम यहाँ पर दो नॉचेस लगा लेंगे ताकि हमारी ये स्लीव्स फिटिंग में इजी रहे। हम चारों तरफ इसको
सिलाई कर लेंगे, फोल्डिंग कर लेंगे। आप चाहो तो बायस स्ट्रिप से भी फोल्ड कर सकते हो या फिर इसमें पिको भी कर सकते हो। अभी हमें इसको स्लीव्स में अटैच करना है, तो इसलिए सबसे पहले टॉप को ले लेना है। और देखिए टॉप हमारा राइट साइड है, तो इस तरह से हम बॉटम साइड हम आर्मोल की तरफ रखेंगे और दूसरा जो साइड है हमारा स्लीव साइड है, हम इसको शोल्डर के साइड रखेंगे। हम यहाँ पर दो जगह पिन सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारी स्लीव्स सिलाई करते वक्त ईजी रहे। इस तरह से हम गोलाई में स्लीव इसके साथ ज्वाइंट कर लेंगे। इसमें हमारी बहुत आसान तरीके से हम स्लीव्स को ज्वाइंट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी स्लीव्स को अटैच करना है। बॉटम पार्ट हम बॉटम की तरफ रखेंगे और ऊपर वाला जो हिस्सा है हम शोल्डर की तरफ रखेंगे। सेम इसी तरह से हमें गोलाई में स्लीव्स ज्वाइंट कर लेना है और साथ में हम इसके बॉर्डर को भी फोल्ड कर लेंगे। अब हम देखेंगे बॉटम साइड में हम घेरा बनाएंगे, तो इसके लिए हम इसको मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पर 15 इंचेस है हाफ में, तो इस तरह से मैंने कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई मैंने 44 इंचेस लिया है और इसको डबल में फोल्ड करने के बाद 22 इंचेस है। इसको मैंने बराबर बिछा लिया है, आप देख सकते हो एक साइड हमारा ओपन है, ये हमारा फ्रंट में आएगा, यानी कि हम फ्रंट में स्लिट करेंगे, फ्रंट स्लिट करेंगे, और जो फोल्डेड साइड है ये हमारे बैक साइड में आ जाएगी। हम एक साइड इसकी लेंथ ज़्यादा रखेंगे, यानी बैक साइड में जो लेंथ होगी इसकी ज़्यादा रहेगी और फ्रंट में जो स्लिट होगी वो कम रहेगी। यहाँ से हम वेस्ट का मेजरमेंट ले लेते हैं। इस तरह से देखिए कॉर्नर पर मैंने इसको तिरछा प्लेस कर लिया है और इतना जो पार्ट है ये हमारा वेस्ट पार्ट है निकल आएगा। अभी हम अपने घेरे की मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर बैक साइड में घेरे में 21 इंच लूँगी यानी 21 इंचेस और फ्रंट साइड में घेरे की फ्रंट साइड में हमने स्लिट बनानी है तो स्लिट की लेंथ हम कम रखेंगे। यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर ऊपर हाफ इंच हम सिलाई के लिए मार्जिन ले लेते हैं। अब यहाँ से हम कर्व शेप में इसको ज्वाइन करेंगे। तो उससे पहले हमें फ्रंट स्लिट का जो मार्किंग है हम 8 इंचेस रखेंगे। आप चाहो तो इसको सीधा नहीं करके इसको तिरछा भी आप मिला सकते हो। और बीच में 21 इंचेस मार्क कर लेंगे जहाँ तक हमारा 21 इंचेस आया है और बाकी के कपड़ों में हम इस तरह से कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। हमारी ये कटिंग हो चुकी है, हम इसके बॉर्डर को अच्छे से फोल्ड कर लेंगे चारों तरफ। अब हमें इसकी फिटिंग करनी होगी, तो हम टॉप को ले लेते हैं। टॉप हमारा राइट साइड में है और हम फ्रंट के जो ओपन पार्ट है स्लिट है तो हम इसको कवर कर लेंगे इस तरह से। हम घेरे को उल्टा रखेंगे अपने ब्लाउज के ऊपर और इस तरह से एक साइड से हम सिलाई करेंगे, जैसे यहाँ से फ्रंट की जो बीचों बीच हम यहाँ से सिलाई करते जाएंगे और फ्रंट के दूसरे एंड तक हमें इसको सिलना है। इस तरह से हमारी ये घेरा इसमें जुड़ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने स्लीव्स पे भी अच्छे से अटैच कर लिया है और इसको बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। उसके साथ साथ हमने घेरे को भी अटैच कर लिया है और यहाँ पर मैंने पट्टी को फोल्ड कर लिया है। अभी हमारी ये हाई लू ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है। आप इसको जीन्स के साथ वेयर कर सकते हो। तो देखा आपने कितना आसान था इसको बनाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस